हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हैं, सो अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना यहीं से अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। आज बनाते हैं सहजन की सब्ज़ी, सिर्फ सहजन की सब्ज़ी, इसमें आलू ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और पूरे विटामिन से भरपूर है। तो यह सीजन में आप कम से कम 5 से 6 बार तो सहजन की सब्ज़ी खाने बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज ले लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और साथ में हरी मिर्ची। और यहाँ पे देखिए, जब मेरा तेल गर्म हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी जीरा, उसके बाद डालूँगी 1 लाल मिर्ची और जब फ़ौरन तरकने लगे तो उसमें थोड़ा सा सरसों दाना डालेंगे, 10 से 15 दाना। और इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद इसमें डालेंगे सहजन, क्योंकि आज हम बना रहे हैं सिर्फ सहजन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है और अब डालेंगे सहजन की सब्ज़ियाँ जो काट के रखी थी। तो इसी तरह से इनको डालना है और बार बार चलाते रहना है। तो ज़्यादा इन्हें नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का ब्राउन जैसे ही हो जाए तो आप इन्हें भून के निकाल लीजिएगा। खासकर आजकल सीजन सहजन के है तो इसमें विटामिन बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार भी खाओ तो इसका प्रोटीन आप में मिलेगा। तो इसी तरह से आप इन्हें तरह तरह से बना के खाइए और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, रसेदार सब्ज़ी होते हैं इनका। तो अगर आपको चाहिए रस वाले तो आप इन्हें रस वाले बनाइए, अगर चाहिए सूखे तो आप इन्हें सारे रस को सुखा दीजिए तो वो सूखे हो जाएंगे। और देखिए, इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहना है, चलाते रहना है। तो यहाँ पे मैं मीडियम फ्लेम में इसी तरह चला रही हूँ और साथ में नमक चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, और देखिए नहीं तो आप मसाले के बाद भी नमक को ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं इन्हें भून रखी हूँ और अब ये भून गए तो अब यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लूँगी। और देखिए, इसी तरह सारे सहजन की सब्जियाँ को एक प्लेट में निकाल लिया है और देखिए सारे अब निकल गए हैं। तो बस इसी कढ़ाई में हम लगाएंगे तड़का और यहाँ में थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से यहाँ पर मेरा तेल ऐड हो चुका है और जो भी मैं काट के प्याज रखी हूँ, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह, सभी को एक साथ इसमें डाल लेंगे और इन्हें भूनेंगे। तो देखिए, इसे बीच बीच में चलाते रहना है और इसी तरह चलाते चलाते आप इन्हें भून सकते हैं। और देखिए, ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे टमाटो लेके मैं इनका प्यूरी बना दूँ, क्योंकि टमाटो से सहजन की सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं। और देखिए, उनका मैं प्यूरी बना चुकी हूँ, मिक्सी जार में पीस चुकी हूँ। और इधर मेरा प्याज भुन के रेडी हो गया, तो मैं टमाटो का प्यूरी इसमें ऐड कर रही हूँ। और जो भी साथ में मसाला रखे हैं, जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और गोल मिर्च, जीरा की पाउडर, यहाँ पे सभी को साथ में डालेंगे। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे जिससे हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो इसी तरह इन्हें भूनना है। आप जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतना ही अच्छा सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। तो मसाले पे ही निर्भर करता है ये सहजन की सब्ज़ी। तो आप इसे बहुत अच्छे से भून लीजिए, क्योंकि सहजन तो ज़्यादा नहीं भूनता है, इसीलिए मसाले में ही आप अच्छे से भून लीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा, गोल मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट ऐड की, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे स्वाद आ जाते हैं। तो चलिए, इसी तरह से भूनना है इसे, बीच में चिपके ना, इसीलिए इन्हें बार बार चलाते रहना है। और देखिए, इसी तरह से भूनते जाइए जब तक कि आपके मसाले ब्राउन हो जाए, तब तक इसे भूनते रहना है। और देखिए, अब कुछ इस तरह से भून रहा है।
तो अभी थोड़ा और इसे भूनेंगे, क्योंकि अभी और भूनेंगे और इसी तरह भूनते जाएंगे। और देखिए अब मेरा मसाला भून के रेडी होने वाला है। तो देखिए इस तरह से ब्राउन हो चुके हैं ये। तो आप बीच बीच में चलाते हुए इसी तरह से भूनिए, जितना अच्छा मसाला में टेस्ट आएगा उतना ही अच्छा सहजन की सब्ज़ी बन के रेडी होंगे। तो इसी तरह से भूनते जाना है इन्हें। और देखिए सारे के सारे मसाले भून के रेडी हो चुके हैं। तो अब जो भी सहजन भून के रखे थे इसमें ऐड करेंगे और इसे कुछ देर के लिए चलाएंगे, तो एक दूसरे में अच्छे से वो मिक्स हो जाएंगे। इसी तरह इन्हें चलाना होता है। और देखिए इसी तरह चलाते जाएंगे, और देखिए इसी तरह से चलाते जाएंगे इसे, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट के लिए इसे चलाना है, ताकि एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाए। अब यहाँ पे सारे सहजन की सब्जी मसाला अच्छे तरह से मिक्स हो गए हैं। तो इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुकूल, चाहे तो आप पहले भी सहजन में भी ऐड कर सकते थे, पर मैं अभी ही ऐड कर रही हूँ। और देखिए अब इसमें पानी भी डालेंगे, तो आप अपने ग्रेवी के अनुकूल पानी डाल लीजिए। अगर ज़्यादा ग्रेवी बनाना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिए, ग्रेवी आपको रस इसका कम लगाना है तो आप कम पानी ऐड कीजिए, क्योंकि सहजन कम से कम 5 मिनट के अंदर ही पक जाते हैं। तो देखिए इसी तरह से ढक दिया है, और जब 5 मिनट हो जाएंगे तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये इस तरह से पक रहे हैं। और देखिए मेरा सहजन की सब्जी बनके रेडी हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आया है, सारे के सारे तेल ऊपर भी आ गए हैं, और देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मसाला यहाँ पे अच्छे से भुना गया था इसीलिए इनका कलर बहुत अच्छा आया है। और ज़्यादा आपको कलर चाहिए तो कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। और देखिए अब बन के रेडी हो गया है। तो आप इसे रोटी के साथ, गर्मा गर्म चावल के साथ, तो हम लोग ज़्यादा इसे चावल के साथ ही खाते हैं। और देखिए यहाँ पे मेरा सहजन की सब्जी बनके रेडी हो चुके हैं। चाहे तो आप धनिया पत्ती भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसी तरह खाऊंगी चावल के साथ। मिलते हैं अगले रेसिपी में।